उत्तर भारत समेत देश भर के इन राज्यों में एक बार फिर से मावठ की बारिश के आसार। महीने के अंत तक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 28 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है। 28 जनवरी से ही गिलगित, बाल्टिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद के भागों में, वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। यह बारिश की गतिविधियां पिछले पश्चिमी विक्षोभ की तुलना में ज्यादा होंगी, ज्यादा बर्फबारी होगी और बारिश के साथ में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां 29 जनवरी को पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां होंगी। यह बारिश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में फैल जाएगी। वहीं 23 जनवरी को उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य तक भी पहुंच जाएगी। इसी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में भी बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान राज्य में भी 28 जनवरी से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जयपुर समेत 13 जिलों में ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है। राज्य में यहां बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। 28 जनवरी को अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक और उदयपुर जिलों में बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। इसी तरह से 29 जनवरी को टोंक, सीकर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, बारा, अलवर और अजमेर जिलों में बारिश के साथ कहीं कहीं पर ओले गिरने की भी आशंका है। 29 जनवरी को बीकानेर सहित जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य के भी 5 संभागों और 32 जिलों में बारिश की चेतावनी। ग्वालियर, चंबल सहित 2 संभागों में ओलावृष्टि, गरज चमक और आंधी की चेतावनी। राज्य में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर और चंबल संभागों के जिलों में, रतलाम, इंदौर, उज्जैन जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने, गिरने की चेतावनी भी जारी की है। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पंजाब राज्य में भी एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पूरे इलाके पर बादल अपना डेरा जमा लेंगे और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की ओर गरज चमक और तेज गति से हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। बारिश का यह दौर 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक देखने को मिलेगा। इसी सिस्टम के चलते हरियाणा के पश्चिमी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी से शुरू होकर के धीरे धीरे पूरे हरियाणा, दिल्ली एनसीआर पर हो जाएगा। 29 जनवरी को इसी मौसमी सिस्टम का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। महेंद्रगढ़ जिले में भी हल्की से मध्यम और गरज चमक और तेज गति से हवाएं चलने के साथ एक दो स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना भी बन रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के भी कई इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक रामपुर, एटा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम गति के साथ गरज के साथ बारिश होगी। गुजरात राज्य में भी बारिश के आसार हैं। 29 जनवरी से राज्य का मौसम बदलेगा। राज्य में पालनपुर, मेहसाना, हिम्मतनगर और आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। मौसम से जुड़ी जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।